दोस्तों, इस मुशायरे की गुलदस्ते को सजाने में मोहतरम नरेंद्र कुमार साहब, नितिन कुमार साहब और शिव कुमार साहब का भी बड़ा योगदान रहा है, बड़ी खुदमात उनकी इस मुशायरे को सजाने में है। इनको मुबारकबाद पेश की जाती है। आइए दोस्तों, जब कोई पीपल काट गिराया जाता है, इतनों ही के सर से साया जाता है, आज ही उसके घर पर डेरा डालोगे, पहले कुछ दिन आया जाया जाता है, और धरती खुद भी खा जाती है फसलों को, चिड़ियों पर इल्जाम लगाया जाता है। ये शेर मैंने इसलिए पढ़े हैं कि एक ऐसा शायर हम सुनते हैं कि जिसके यहाँ चाहे वो दरख्तों के कटने का दर्द हो, या हुस्न इश्क के मसाइल हो, या फिर चिड़ियों का कर्फ हो, परिंदों का दर्द हो, ये सब खूबसूरती के साथ जिस शायर के यहाँ सिमट कर आता है, उसे हम जनाब अरशद जिया के नाम से जानते हैं, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरनगर से है। एक शेरी मजमुआ उनका मंजर आम पर आ चुका है, और मुशायरे का बड़ा खूबसूरत आगाज उन्होंने हमदिया शायरी से किया था। मैं जनाब अरशद जिया से गुजारिश कर रहा हूँ। मुशायरा देखने वाले जा चुके हैं, सुनने वाले बाकी हैं। बहुत मोहतरमा समाज है, एक मतला दो तीन शेर हाजिर करता हूं आप सबकी जानती समातों के हवाले। एक फैसला आया, आप और हम सभी वाकिफ हैं उस फैसले में क्या किया गया था। दो मिसरों में बात कहता हूं, हाजिर करता हूं सदर मोहतरम। प्यास को मेरी समंदर का भरोसा देकर, प्यास को मेरी समंदर का भरोसा देकर, मुझसे कतरे को भी छीना गया धोखा देकर। क्या बात है, छीना गया धोखा देकर, मुझसे कतरे को भी। शेर हाजिर करता हूं, बुजुर्ग बच्चे सभी तक ये शेर पहुंचे, मैं हाजिर करता हूं। खत्म करने हैं मरासिम तो सलीके से करो, मशवरा है, हाजिर करता हूं। खत्म करने हैं मरासिम से करो, हाथ से हाथ छुड़ाते नहीं झटका देकर, हाथ से नहीं झटका देकर, हाथ से हाथ। हाजिर करता हूं, खत्म करने हैं मरासिम तो सलीके से करो, खत्म करने हैं, इरशाद भाई, खत्म करने हैं मरासिम तो सलीके से करो, हाथ से हाथ छुड़ाते नहीं झटका देकर, हाथ से हाथ छुड़ाते नहीं झटका देकर, हाथ से हाथ। ये गजल का शेर, नौजवान भी शेर का मजा ले और मेरे बुजुर्ग भी मजा ले, मैं हाजिर करता हूं। बहुत खूबसूरत निजामत मेरे मोहतरम मोइन शादाब साहब तशरीफ रखते हैं, डॉक्टर ताहिर कमर साहब, काजी अशरफ साहब, मैं हाजिर करता हूं इसे। दिल ने जब वसल को बच्चे की तरह जिद की तो, दिल ने जब वसल को बच्चे की तरह जिद की तो, उसने पहला दिया वादे का खिल
खिलौना देकर उस उसने बहला दिया। किसी की बेटी, भाई, माँ, बाप, महबूबा कुछ भी हो सकता है। मैं शेर हाजिर करता हूं, आप वहां तक पहुंचे। उसने बहला दिया वादे का खिलौना देकर उसने बहला दिया। शिराज़ करता हूं, जिसकी एक आह पे रुक जाती थी सांसें मेरी। क्या कहने, जिसकी एक आह पे रुक जाती थी सांसें मेरी, वो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ, आपकी जाग की समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर करता हूँ। हमारे सदर मोहतरम जो बुलंद शहर से तशरीफ लाए हैं, मैं अहले फुरकाजी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका, आपकी मोहब्बतों के सहारे आपका मुशायरा सुनने के लिए वो बुलंद शहर से आपके शहर तक आए। मैं अहले फुरकाजी को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं शेर हाजिर करता हूँ। कलीम भाई, हकीम साहब, मैं रब्बानी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं शेर हाजिर करता हूँ। जिसकी एक आह पे रुक जाती थी सांसें मेरी, जिसकी एक आह पे रुक जाती थी सांसें मेरी, वो मुझे छोड़ गया दर्द का दरिया देकर, वो मुझे बहुत अच्छा शेर, दरिया दे, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत मुशायरा वाकई आपने सजाया है। मेरे लिए आप हजार लोगों से बेहतर है, क्योंकि हजार सोए हुए आदमियों से बेदार आदमी ज्यादा अहमियत रखता है। एक इतना अच्छा मुशायरा रिफत जमाल साहिबा ने सजाया है, एक जोरदार ताली आप रिफत जमाल साहिबा के लिए बजाते, नाजिम मुशायरा के लिए बजाते। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी जाती समय। शेर हाजिर करता हूं, दाइस बहुत मोहतबर मोहतरम मजहर सियानी साहब, मैं शेर हाजिर करता हूं। ऐसे इंसान भी मौजूद है दुनिया में अभी। शेर आप तक पहुंचे, मैं हाजिर करता हूं। ऐसे इंसान भी मौजूद है दुनिया में अभी, खुद अंधेरे में औरों को उजाला देकर, उजाला देकर खुद अंधेरे। ऐसे इंसान भी मौजूद है दुनिया में अभी। अमजद भाई, शिराज़ करता हूं। ऐसे इंसान भी मौजूद है दुनिया में अभी, खुद अंधेरे में
खुद अंधेरे में है, खुद अंधेरे में औरों को उजाला देकर, खुद अंधेरे में है। मैं नहीं कहता कि मेरी शायरी बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शेर मेरी झोली में डाल दिया है, बहुत बढ़िया। मैं हाजिर करता हूँ, बहुत मोतबर सवाते हैं, बहुत मोतबर डाइस। ये मजमून अगर आप तक पहुंच गया तो मेरा यहाँ आना कामयाब, और इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने की जसारत कर सकूंगा। मैं शेर हाजिर करता हूँ, वक्त के साथ मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे छोटे, मेरे बुजुर्ग सभी तक ये शेर पहुंचे, मैं हाजिर करता हूं। वक्त के साथ कदम अपने बढ़ाओ, दोस्तों इरादा तो ये था कि बहुत कुछ आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन वक्त की कमी है और शायर बहुत ज्यादा है, खैर बहुत तवील है, इसलिए अपना सफर यही खत्म करता हूं। मैं ये शेर पढ़ता हूं, वक्त के साथ, एक लफ्ज कासा है, वैसे बहुत बहुत जहीन समाते हैं, कासा फकीर के कटोरे को कहते हैं। अब यहां से शेर का मजा है, वक्त के साथ कदम अपने बढ़ाओ वरना, वक्त के साथ कदम अपने बढ़ाओ वरना, वक्त हाथों में चला जाएगा कासा देर। जनाब अरशद जी मैं हाजिर करता हूँ, वक्त के साथ कदम अपने बढ़ाओ वरना, वक्त हाथों में चला जाएगा कासा देकर, वक्त हाथों में